जय महाकाल फास्ट फूड, दमोह की पहली गाड़ी वाली दुकान अब नए अंदाज में, शिवाजी स्कूल के सामने, सौरभ अग्रवाल, दमोह। सुजुकी एक्सेस 125 कम पीता है। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम किलाइना का बालाकोट रोड दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। नमस्कार, स्वागत है दमोह जिले के पहले यूट्यूब चैनल तूफान टीवी न्यूज में। मैं हूं रवि अग्रवाल। सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अपनी जमानत कराने के लिए अब कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं पर मामला किसी और ने नहीं बल्कि वर्तमान में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने दर्ज कराया था। ये मामले उस समय के हैं जब राहुल सिंह कांग्रेस पार्टी में थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर राहुल सिंह के घर के सामने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पूर्व विधायक राहुल सिंह ने इन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कराया था। इन्हीं मामलों की जमानत कराने शुक्रवार को CGM कोर्ट में ये भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। 19 भाजपा कार्यकर्ताओं पर धारा 294, 506, 34 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री रमन खत्री का कहना है कि उस समय भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए गए थे, जिनमें से कई मामलों में भाजपा कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन अब भाजपा की सरकार है, इसलिए राजनीतिक मामलों से जुड़े अपराध समाप्त किए जाने चाहिए। वहीं राहुल सिंह भी अब भाजपा में आ चुके हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। ये 22/1/2019 का ये घटनाक्रम है, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विपक्ष में थे और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी और उस समय के तत्कालीन विधायक राहुल सिंह जी थे। शायद विद्युत कटौती को मुझे ध्यान है, विद्युत कटौती भी उस समय चालू हो गई थी। तब हम लोगों ने घंटा घर पे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पुतला दहन करने का प्रयास किया था। तो उस समय हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चूंकि विपक्ष में होने के नाते जो जनहित को लेकर हम लोग का दायित्व था, उसको हम लोग ने पूरा किया था। और उस समय कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह जी और यशपाल, उनके लेटर हेड पे एक आवेदन गया था जिसमें गाली गलौज का उल्लेख है कि हम लोगों ने गाली गलौज की थी। हालांकि गाली गलौज नहीं की थी, लेकिन ये बात सही है कि पुतला दहन करने का प्रयास हम लोगों ने किया था। उसमें प्रशासन ने उस समय तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट के दबाव में आकर, हम लखन पटेल जी, पूर्व विधायक आदरणीय देवान भैया जो अब नहीं है, जिलाध्यक्ष थे, ऐसे 19 लोगों के खिलाफ जो मामला पंजीबद्ध हुआ था 294, 506 वगैरह में। तो अभी 4 दिन पहले कोतवाली से फोन आया था कि चालान पेश कर रहे हैं, तो आज हम सब लोग माननीय CGM साहब के कोर्ट में पेश होकर उसकी जमानत ले रहे हैं। देखिए, जब 15 महीने कांग्रेसी सरकार थी, उस समय हम लोगों ने जनहित के मुद्दों को लेकर जो प्रदर्शन किए थे, उसके लगभग 7 केस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं। उसमें से 4 केस की हम लोग जमानत ले चुके हैं और आज एक जो कमलनाथ जी का पुतला दहन हम लोगों ने घंटाघर पर किया था, उस समय के तत्कालीन शहर अध्यक्ष भाई यशपाल जी के उस पर हम लोगों के ऊपर ये धारा लगाई गई थी। राहुल सिंह जी उस समय कांग्रेस से हमारे विधायक थे दमोह के, और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो चुके, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उनको है। तो आपके माध्यम से भी हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि ये जनहित के मुद्दे थे और भारतीय जनता पार्टी का जो छोटा से छोटा और बड़ा सा बड़ा जो कार्यकर्ता उस समय का था, उसके द्वारा एक कार्य किए गए थे। अब चूंकि ये परंपरा रही है, जब सरकार आती है तो ऐसे राजनीतिक केसों को गृह मंत्रालय के अंतर्गत उठाकर उन्हें खत्म करने का काम किया जाता है, तो मैं उनसे भी यही बात कहना चाहता हूँ कि उसमें से कई लोग ऐसे कार्यकर्ता भी थे जो केवल विद्यार्थी थे या छोटे मोटे पदों पर काम करते थे, तो वो लोग नायाज आज परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग इसमें से बाहर के शहरों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो अच्छा होगा कि आदरणीय देवना श्रीवास्तव जी हैं, भाई दीपक सोनी हैं, दीपक सोनी जी पे एक केस था जब राहुल सिंह जी के घर के बाहर हम लोगों ने
मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन किया था, उनके सामने धरना प्रदर्शन किया था। तो ऐसे लोग जो खत्म भी हो चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनको इतना अधिकार है कि वो इन केसों को चाहे तो आराम से ख़त्म करवा सकते हैं। ऐसे कितने लोग थे इसमें? 19 लोग तो इसी केस में हैं जिसके आज हम लोग यहाँ पर कोर्ट में जमानत करने के लिए बैठे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे उपकार करता है। वर्ष 2019 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार जनहित के मुद्दे उठाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते रहते हैं, उसी क्रम में हम लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पतला दहन हुआ था, तो कांग्रेस के शहर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उनने शिकायत करके हम लोगों पर एक मामला दर्ज कराया था, उसकी आज जमानत कराने हम यहाँ आए हैं। जनवरी 2019 में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के विरोध में स्वर्गीय देवनारायण श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कमलनाथ जी का पुतला दहन किया था। उसी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया और हम लोगों के लिए आज न्यायालय में चालान पेश हो रहा है। तो सभी 19 कार्यकर्ता अपनी जमानत के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया MBBS DNB आर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश, पूर्व चिकित्सक अपोलो हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, उपचार सुविधाएं सभी प्रकार के फ्रैक्चर का आधुनिक पद्धति से ऑपरेशन, घुटनों एवं कूल्हे का प्रत्यारोपण, गठियाबात एवं आर्थराइटिस का उपचार, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, जन्मजात हाथ पैरों के टेढ़ेपन का उपचार, मांसपेशियों एवं झंझनाहट का उपचार, घुटना कमर दर्द हाथ पैर में जकड़न चलने में कठिनाई का उपचार। डॉक्टर साहब अजय मेडिकल एजेंसी में प्रतिदिन उपलब्ध रहेंगे। अजय मेडिकल एजेंसी, पता डॉक्टर संगीतानी जी की अस्पताल के पास PG कॉलेज के सामने दमोह में उपलब्ध रहेंगे। संपर्क करें 8718-3573-7354-200690।